अबे रोहित शर्मा, अबे भैया कसम से यार भाई, हमको ना पता था तुम हमसे इतना डरते हो। अब बताओ तुम हमारे खिलाफ होने वाली सीरीज में बहाना बना के बाहर हो गए। अबे भैया बाहर ना रहो, अंदर आओ। अब बताओ तुमने ये राहुल को कप्तान बना दिया। अबे ये कहाँ ले पाएंगे हमारी टक्कर, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और भैया अगर तुम खेलते तो जलवा अलग होता, लेकिन लुल हम तुमको फिर भी बना देते, समझे। अबे बॉर्नर यार, भैया देखो ऐसा है, हम मैदान में खेलें और तुम हमको लुल बनाओ, ये तो बाद की बात है भैया, पहले तुम इनसे ही टक्कर ले लो। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी यही टीम तुम्हारा पजामा फाड़ देगी। और भैया हम ऐसे ही बाहर ना हुए, देखो भाई हल्की पुल्की टीमों के खिलाफ हम खेलते ना हैं, अब तुम्हारी टीम है क्या फायदा है, हम लेफ्टी खेलेंगे जब भी तुमको हरा देंगे, अब क्या फायदा है तुम्हारे खिलाफ खेलने का, तुम्हारी जो गेंदबाजी है ना, अबे भूत भगा देंगे भैया भूत। अबे तुम हमको हल्के में लेती, अबे हमारी बढ़िया गेंदबाजी होती, हमारा नाम पैट कमिंस होती, हम अच्छे अच्छों की फाड़ देती धोती, और तुम हमको हल्के में लेती। अबे भैया जलवा तुमने देखा ना होती कि हमारा, हम बहुत बढ़िया बहुत मजा हुआ गेंदबाज होती, और तुम हमारी इस तरीके से बेइज्जती करती। अबे पेंट कमीज भैया तुम्हारी बेइज्जती कहाँ करी है। अबे भाई हम मानते हैं तुम बढ़िया गेंदबाज हो, नंबर एक खिलाड़ी हो, लेकिन भाई तुम टेंशन ना लो, हम इतना मजा हुआ खिलाड़ी हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ तुमने देखा ही होगा 6 महीने बाद एकदम शतक कूट दिया। अबे भाई 6 महीने बाद मैदान में कोई शतक ना कूट सकता, हम ऐसा ही कुटाई करते हैं और तुम्हारी भी कुटाई करेंगे, टेंशन ना लो। ऐसा जलवा करेंगे तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में जितने गेंदबाज हैं ना बड़े बड़े, उनको चौके छक्के लगाऊंगा एकदम खड़े खड़े, समझे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया राहुल भाई बहुत बढ़िया। अबे कसम से यार भैया क्या बेहतरीन डायलॉग मारा, आये हाय। अबे भैया मजा आ गया तुम्हारा डायलॉग सुन के, हम तो ये कहते हैं तुम बहुत शानदार क्रिकेट खेलना और ऑस्ट्रेलिया वालों को धुआंधार पेलना। अबे इनकी औकात ना है भैया तुम्हारी टक्कर लेने की, जलवा तुम्हारा ही होगा, बाकी तो सब बुमराह भाई देख लेंगे, ये डेविड बॉर्नर और जो भी इनके बल्लेबाज हैं सबको बुमराह भाई बना देंगे एकदम चबूतरा। अरे पांड्या भाई यार भैया तुम टेंशन ना लो, देखो भाई गेंदबाजी में हम तगड़ा वाला जलवा रखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वालों की कहाँ है ताकत हमारी टक्कर लेने की, बाकी हम तो ये कहते भाई टेंशन ना लो, बढ़िया खेल दिखाएंगे और इनको हम लुल भी बनाएंगे, हमारा जलवा गेंदबाजी में अलग ही लेवल का रहता है। अरे भैया इनकी कहाँ है औकात हमारी टक्कर लेने की, इनको तो हम ऐसा बना देंगे एकदम झोला छाप, ये वार्नर इनके जो भी बल्लेबाज है ना इनको सबको झोला टंगवा देंगे भैया, एकदम भीख मांगते फिरेंगे ससुरी वाले नलायक हरामखोर, और हमारी टक्कर लेंगे भैया ये। अबे भैया पाजामा उतर जाएगा इनका हमारी टक्कर लेते लेते, हमारी गेंदबाजी इनने देखी कहाँ है अभी। अबे कर देते होंगे तुम 50-50 पे ऑल आउट, लेकिन भैया वो टीमें भी और होंगी, अब हमारी टीम के आगे ना ऐसी बातें करना कि 50 पे ऑल आउट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भैया इधर तो 380-400 की कोशिश करना कि भाई 380 और 400 रन बनने से कैसे बचाएं। अरे भैया इतना ठोकते हैं हम कि अच्छे अच्छे गेंदबाजों का ले लेते हैं दम, अब बातें नहीं करना हमारे आगे, वो तो मैदान में पता चल जाएगा तुमको, ये हल्की पुल्की टीम से हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। अरे रोहित भाई तुम खेलते तो थोड़ा कांटे की टक्कर हो जाती, विराट भाई तुम लोग, अब तुम लोग खेलोगे नहीं तो भाई हम तो ऐसा लग रहा है कि इनका तो हम वैसे ही पजामा फाड़ देंगे, आंखें बंद करके खेलेंगे तब भी। अबे बॉर्नर यार भैया इतनी जवान काय के लिए चला रहे हो, अबे इतनी जवान ना चलाओ, और जो आलतू फालतू की बातें कर रहे हो ना उसके लिए माफ़ी मांग लो, बढ़िया रहेगा। अबे भाई मांगो हमारे खिलाड़ियों से माफ़ी, यही है तुम्हारे लिए काफ़ी, वरना हमारे खिलाड़ी खेल खेलेंगे एकदम शानदार और तुम्हारी टीम को एकदम लुल बनाएंगे धुआंधार। अबे तुम्हारी हल्की टीम है भैया, हमारी चाहे ए टीम खेले, बी टीम खेले, सी टीम खेले, अबे तुम्हारी टीम को तो लुल बना के ही रहेंगे। और रही बात स्कोर की भैया, तो स्कोर हमारा भी कम ना बनेगा, तुम्हारे खिलाफ कम से कम बनेगा हमारा 1200-1300 रन, समझे।